यू सो मच सर, शुक्रिया। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि आप लोगों को अक्सर ज़बान का मसला बड़ा होता होगा, ये समझ में नहीं आता है कि ज़ा कहाँ लगाना है, जा कहाँ लगाना है, समंदर बोलना है कि शमंदर बोलना है। ये प्रॉब्लम है सबको, है ना सर? ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमारे साथ यामिन अंसारी साहब हैं, इनकलाब के रेजिडेंट एडिटर हैं और उर्दू ज़बान पर काफ़ी उनकी पकड़ है। तो सर, टॉपिक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्योंकि बच्चे हैं, बोर ना हो जाए। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से हैं तो प्रिंट मीडिया में खासकर जो उर्दू अखबार हैं वो कितना ज़्यादा फ्लरिश कर पा रहे हैं या कितने उनको चैलेंजेस आते हैं, ये जानना चाहूँगी। देखिए, आज सुबह के सेशन में भी काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है उर्दू ज़बान को लेकर और उर्दू सहाफ़त। चूँकि ये जश्न सहाफ़त है तो ज़ाहिर सी बात है उर्दू के हवाले से गुफ्तगू होगी ही, और उर्दू के सामने जो चैलेंजेस हैं, उर्दू के जो मसाइल हैं, उन पर भी गुफ्तगू होगी और हुई भी है। तो उर्दू सहाफ़त में जो ज़बान का मसला है, जैसा आपने कहा, तो मैं उस पर अगर गुफ्तगू करना चाहूँ तो यही बात सबसे पहले आती है कि हम ये देखते हैं कि उर्दू लिखने, पढ़ने और बोलने वालों की तादाद कितनी है, उनका क्या फ़ीसद है, कितने परसेंट लोग उर्दू को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो फ़र्क नज़र आएगा आपको, मुकम्मल जो एक आबादी है या पूरे मुल्क में जो उर्दू की सूरत हाल है, वही सूरत हाल उर्दू सहाफ़त में भी नज़र आएगी आपको। तो इसी वजह से मुख्तलिफ चैलेंजेस भी सामने आते हैं। जिस तरह से कोई भी चीज़ जब कम तादाद में होती है, अकलियत में होती है, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वही चैलेंजेस उर्दू ज़बान के साथ भी और वही चैलेंजेस उर्दू सहाफ़त के साथ भी हैं। मैं चाहूँगी कि चैलेंजेस को आप थोड़ा और भी ज़्यादा एलैबोरेट कर दें। जी जी, मैं इसमें यही जोड़ना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले उर्दू के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए कि उर्दू जो है वो किस हद तक हम उसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। जो ज़बान इसी मुल्क में पैदा हुई, इसी मुल्क में पली बढ़ी, इसी मुल्क में उसने परवरिश पाई, और यहाँ जिस तरह से उस ज़बान को फ़रोग मिला था, क्या हम उसके साथ आज इंसाफ कर पा रहे हैं? लेकिन इसका एक अफसोसनाक पहलू ये सामने आता है कि इसको एक मखसूस तबके से या मखसूस मज़हब से जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इसके सामने जो चैलेंजेस आए वो यकीनन इस तरह के चैलेंजेस हैं जो बहुत हद तक हम लोग आपस में मिलकर, एक दूसरे से जुड़कर, इस तरह के प्रोग्राम E4M के ज़रिए जो मुनक्किद किया गया है, ये जश्न सहाफ़त, इस तरह के अगर प्रोग्राम करेंगे, इस तरह के लोग जुड़ेंगे आपस में, तो मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उर्दू के सामने जो तादाद का मसला आ रहा है, जो उर्दू जानने पढ़ने वालों का मसला आ रहा है, उसको हम दूर कर सकते होंगे। अच्छा, एक और बड़ा मेजर चैलेंज आता है, ख़ासकर क्योंकि मैं भी डिजिटल से एसोसिएटेड हूँ और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जी। तो जैसे हम उर्दू के वर्ड्स को, उर्दू अल्फाज हिंदी में यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें ये हिदायत दे दी जाती है, हमारे हेड्स ये बोल देते हैं कि भाई नुक्ता नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हम उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? ज़बान को ज़बरदस्ती, वो मरी हुई नहीं, उसको मारने की कोशिश की जा रही है। जैसे यहाँ पे खालिद रज़ा सर हैं, तो उनका जो नाम है डॉक्टर खालिद रज़ा ख़ान, तो अगर हम इसे उर्दू की जगह हिंदी में लिखेंगे तो हमें बोला जाएगा कि खालिद रज़ा ख़ान, वो हम पढ़ेंगे खालिद रज़ा ख़ान लेकिन उसको लिखा जाएगा खालिद रज़ा ख़ान। तो इसमें क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि नुक्ता कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो ये ज़बान के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। ये बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, और इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम उर्दू ज़बान से को सीखें और उर्दू ज़बान को पढ़ें, और ये नुक्ते का जो मसला है वो तभी दूर हो सकता है जब हमने उर्दू ज़बान को पढ़ा होगा। सर, सीखने के बाद भी मसला आता है क्योंकि हमारे जो हेड्स हैं ना, जो ख़ासकर जो चैनल में बैठे हुए हैं, चाहे उर्दू अखबार हो, चाहे हिंदी अखबार हो, या फिर कोई डिजिटल चैनल का कोई अगर हेड हो, तो उनके साइड से हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हमें नुक्ते नहीं यूज़ करने, जो बहुत पेनफुल होता है ख़ासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें थोड़ी बहुत उर्दू की समझ है। ये तो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होगी, या किसी भी ज़बान के साथ अगर इस तरह से किया जाता है, उसकी जो असल हैसियत है वो उसकी लिपि में होती है, जो उसकी राइटिंग है उसमें ही उसकी असल हैसियत होती है। अगर उर्दू को उर्दू रस्म अल ख़त में अगर ना भी लिख रहे हैं हम, दूसरी ज़बान में, रोमन में या
देवनागरी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम उर्दू से भी उतनी ही वाकफियत रखते हों जितनी हम हिंदी या इंग्लिश से रखते हैं, तभी उसके साथ इंसाफ हो पाएगा, वरना ये उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उर्दू का कत्ल होगा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मतलब जो नुक्तों का तो प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे जिनको श सा में भी फ़र्क नहीं पता है, कुछ है यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स? मैम आपका कोई क्वेश्चन है? श सा को कैसे इम्प्रूव किया जाए? सर वो वहाँ बैठी हुई हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अब जैसे एक नाम है शम्स, शम्स, तो इसमें जब तक आपको उर्दू के बारे में जानकारी नहीं होगी, उर्दू नहीं पढ़ी होगी, तो इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले शाह आता है फिर सा आता है। अगर इसी तरह हम खालिद अगर लिख रहे हैं तो उसके नीचे बिंदी खा के नीचे लगाएंगे, तभी उसको सही से उसका उसकी अदायगी हो पाएगी, वरना वो उर्दू के साथ इंसाफ हो ही नहीं पाएगा। किसी भी दूसरी लिपि में अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, जब तक कि उर्दू से वाकफियत ना हो, उर्दू को जानते ना हो, उर्दू को पढ़ा ना हो। तो इसलिए मेरे ख़्याल से दूसरी ज़बान में इसलिए कहा जाता है कि जो जिस जो ज़बान है उसको उसी के साथ लिखा जाए, उसी के साथ पढ़ा जाए, उसी जो लिपि है उसकी उसी में पढ़ना बेहतर है। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है प्रिंट मीडिया में, तो जब आपने शुरू किया था जी, और अब के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो दोनों में आपको काफ़ी फ़र्क लगा होगा इन सालों में जी, तो कुछ पॉजिटिव भी डिफरेंसेस आपको दिखे होंगे, कुछ नेगेटिव भी रहे होंगे, तो चाहूँगी कि दोनों के बारे में आप थोड़ा शेयर कीजिए अपना अपना खुद के एक्सपीरियंस। देखिए, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से था, यूपी से मेरा ताल्लुक़ है, बदायूं से, तो मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू में किया, तो जाहिर सी बात है हिंदी और उर्दू मिलाकर जब हम दोनों ज़बानें अगर हमने पढ़ी हैं तो हम वहाँ पर जाकर थोड़ा सा इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको हिंदी से भी उतनी ही वाकफियत है, उर्दू से भी उतनी वाकफियत है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं, वो हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो जहाँ भी हम अगर उर्दू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यकीनन उर्दू जब बोली जाती है तो कहा जाता है कि वो कानों में रस घोलती है और एक शीरीनी ज़बान है, तो उसकी शीरीनी तभी कायम रह सकती है जब हम उर्दू को उर्दू के ही तरीके से उसको इस्तेमाल करें, उर्दू के ही तरीके से उसको पढ़ें, उर्दू के तरीके से ही उसको बोलें, तभी उसके साथ इंसाफ हो पाएगा। और जाहिर सी बात है, हमने जब बहुत सारे मुशायरों में या दूसरे सेमिनार्स वगैरह में हम जब ज़बान को सुनते हैं या लोगों को बोलते हुए देखते हैं, तो उसमें जो उर्दू की जो तलफ़ुस की अदायगी है, वही उसके साथ अगर इंसाफ हो पाता है तभी हमारे कानों में रस घुलता है, वरना वो बहुत ज़्यादा हमारे मतलब दिलों को भी और कानों को भी एक तरीके से टकराती है, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब एक तरीके से उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है बिल्कुल। सर अब जो है मेन स्ट्रीम चैनल कहीं ना कहीं कम होने लगे हैं, और अखबार में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है, शायद दिल्ली में या हिंदुस्तान की बात करें तो 4-5 ही उर्दू के अखबार होंगे, जिसमें आपका अखबार नंबर 1 है इनकलाब, पहले तो मुबारक हो इसके लिए। लेकिन अब डिजिटल मीडिया कहीं ना कहीं हावी हो गया है, तो उससे क्या नुकसान हुआ है प्रिंट मीडिया को और टीवी को? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं, दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया के जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं वो आज भी बरकरार हैं, उर्दू का जो प्रिंट मीडिया उसको डिजिटलाइज भी किया गया है, उसका ई पेपर भी है, उसको पोर्टल भी बनाया गया है, तो उसमें भी उर्दू पढ़ने वालों की तादाद उतनी ही है जितनी अखबारात को पढ़ने वालों की थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, लेकिन यहाँ फ़र्क आ जाता है। फिर यहाँ पर हम ज़बान के ताल्लुक से जो है उर्दू जब अखबारात की बात करते हैं, तो अखबार में चूँकि उर्दू पढ़ने वाला ही उर्दू को पढ़ सकता है, जिसने उर्दू पढ़ी हो या उर्दू को समझता हो, लेकिन जब डिजिटल की तरफ हम आते हैं तो उर्दू ज़बान का जब इस्तेमाल होता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उर्दू पढ़ने वाला ही उसको देखे या उसको सुने, जब वो सुनता है या पढ़ता है, जब देखता है, तो उसमें उर्दू ज़बान का मसला उसके साथ सामने नहीं दरपेश होता, क्योंकि प्रिंट में चूँकि पढ़ना ही है उसको, तो उसको पढ़ना आनी ज़रूरी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल में चूँकि यूट्यूब की अगर बात करें, तो यूट्यूब में भी जब हम सुनते हैं तो उसमें उर्दू ज़बान का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसको समझना ज़रूरी है बस वहाँ पर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें महसूस नहीं होता, बस इसके लिए यही है कि उसमें उर्दू
को समझना होगा वहाँ पर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उर्दू कहीं कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है, उसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आज के जो हिंदी अखबार भी हैं तो वो हमसे बेटर हैं, तो उसकी क्या वजह है? उसकी देखिए, फिर मैं वही शुरू में जो मैंने कहा, उर्दू के साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उर्दू पढ़ने वालों की तादाद हम देखें कि कितनी है, उर्दू की तरफ जो लोगों की रग़बत है वो कितनी है, उर्दू को हालांकि उर्दू सुनना और देखना चाहते हैं लोग। आप उर्दू के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जश्न रेख्ता है, अपना जश्न सहाफ़त है, ये E4M का, तो इसमें लोगों की तादाद देखिए कि सिर्फ वहाँ उर्दू का ही इस्तेमाल है, तो उर्दू को देखने और पढ़ने सुनने के लिए लोग वहाँ आते हैं। तो उन इस तादाद को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि हम उर्दू से कोई ऐसी लोगों को नाइतफाक़ी या कोई वो नहीं है, बस कोशिश की एक ज़रूरत है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ा जाए। उन लोगों को कैसे जोड़ना है उस पर काम करने की ज़रूरत है हमें। उर्दू को हम इश्क की ज़बान कहते हैं, मोहब्बत की ज़बान कहते हैं, लेकिन सहाफ़त में भी उसका अहम रोल है। लेकिन ये शायद हम आजकल की जनरेशन जो इसको हम शायद समझा नहीं पा रहे, क्योंकि मोहब्बत की जब बात होती है तो वो शायरी उर्दू में करते हैं, लेकिन जब सहाफ़त की बात होती है, जब पत्रकारिता करनी होती है, तब वो चाहते हैं कि हमें हिंदी अच्छी आनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं इंग्लिश भी हावी है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मतलब कि आप महजब नहीं हैं, आप मीडिया पर्सनालिटी बनने के काबिल नहीं है, ये भी एक चैलेंज होता है। नहीं देखिए, ज़बान का मसला ये है कि अगर हमारे साथ जितनी भी ज़्यादा ज़बानें होंगी, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, पर्शियन हो, जो भी ज़बान हम इस्तेमाल करें एक साथ, अगर ज़बान सहाफ़त में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा निखार आएगा, उसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे कि इस किस तरह ये जो सहाफ़त हो रही है या शायरी भी हो रही है, तो उसमें जितना ज़्यादा हम अल्फाज को गहराई के साथ इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, उतनी ही लोगों के कानों में रस घोलेगी वो ज़बान, उतनी ही वो शीरीनी उनको महसूस करेंगे उस शीरीनी को। तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी ज़बान हो उसके साथ इंसाफ तभी होगा जब हम मुकम्मल तौर पर उस ज़बान को उसकी असली हैसियत के साथ, उसके असल जो रूप है उसका, उसमें उसको इस्तेमाल करें, चाहे वो सहाफ़त हो, शायरी हो या लिटरेचर हो। मीडिया का एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, अखबार हो, उसका एक कॉमन वर्ड होता है खबर, जिसको ज़्यादातर लोग खबर पढ़ते हैं, खबर बोलते हैं। तो बस ये जानना चाहूँगी कि ये जो आजकल ये बच्चे हैं तो इनको शायद फ़र्क नहीं समझ में आता, तो कैसे अपने डिक्शन को, अपने प्रोनंसिएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए देखिए ज़रूरी है कि उर्दू तो पढ़ना ही होगी। जब तक हम उर्दू को बेसिक उर्दू भी अगर हम जानते हैं, तो कम से कम उर्दू का जो तलफ्फुज़ है उसमें हम गलती नहीं करेंगे। टंग ट्विस्टर भी बहुत हेल्पफुल होंगे। जी इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उर्दू, बेसिक उर्दू सिखाते हैं, जैसे यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली उर्दू एकेडमी है, या बहुत सारे कॉलेजेस में भी जो बेसिक कोर्सेज हैं उर्दू के वो भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं डिप्लोमा कोर्सेज जहाँ उर्दू सिखाई और पढ़ाई जाती है। तो जब तक अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़बान में और ज़्यादा बेहतरी लाएँ, उसको गहराई में लेकर जाएँ, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, अगर उसमें उर्दू की शीरीनी घोल देते हैं, उर्दू को उसमें शामिल कर लेते हैं, तो वो हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही ज़बानों में और ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा निखार पैदा हो जाएगा। इसके लिए कम से कम उर्दू, बेसिक उर्दू तो पढ़ना ही होगी, जिससे कि हम उसके तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसका इंसाफ कर सकें। यूट्यूबर्स भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई जर्नलिस्ट बन गया है, हर कोई एंकर बन गया है जी। तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स भी अहम रोल प्ले करते हैं इसमें। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूट्यूबर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। कंट्रीब्यूशन यही हो सकता है कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उर्दू का इस्तेमाल वही उसी हद तक करें कि जिस हद तक उनको उर्दू की मालूमात है या उर्दू के अल्फाज से वो वाकिफ़ हैं। उर्दू के वो अल्फाज जो जिनका जहाँ इस्तेमाल नहीं भी होता है, फिर भी वो उर्दू का इस्तेमाल करके उसमें बहुत ज़्यादा वज़न पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका उल्टा कई के बार हो जाता है, स्क्रिप्ट ख़राब हो जाती है, स्क्रिप्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाती है बजाय बेहतर होने के। जैसे एक बहुत ही मशहूर एंकर हैं और मशहूर चैनल पर उन्होंने किसी का इंतकाल हुआ, किसी बड़े लीडर का, तो उसकी जो आखिरी रसूम थी वो अदा हो रही थी, तो उसमें
सुपुर्दे खाक किया जाता है, मतलब जिसको दफन करना कहते हैं, तो मतलब ज़मीन के सुपुर्द करना, तो उसको खाक सुपुर्द पढ़ा उन्होंने, मतलब बिल्कुल उल्टा मीनिंग हो गया उसका। तो ये इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, जब तक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक उर्दू जानना बहुत ज़रूरी है। सुपुर्द खाक और खाक सुपुर्द में बिल्कुल एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेसिक उर्दू ज़रूर पढ़ें, जानें, और उर्दू का उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल वहीं करें जहाँ, जिन अल्फाज से हम वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से, कि हाँ यही इस लफ्ज़ का मतलब यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर सही है। ये जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए ख़ास करें नसीहत है, वरना अगर आप किसी अजीम तरीन शख्सियत के मरने की खबर दे रहे हैं तो सैड होने की जगह शायद ऑडियंस हंस दे, तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऑडियंस हंस दी आपके ऊपर तो फिर वो समझ लीजिए कि चैनल पे तो दाग लगेगा, आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत बड़े एंकर की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गया आप किनकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें, अब चूँकि हम स्टूडेंट्स हैं खुद, मैं अपने आप को भी एक तालिबे इल्म ही मानता हूँ, तो सीखने का अमल जो है वो ज़रूरी नहीं कि हम कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं वहीं सीख रहे हैं, हम पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, जहाँ से जो कुछ भी मिले उसको सीखना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, चाहे वो सहाफ़त हो या शायरी या लिटरेचर हो या कोई भी शोबा हो, कोई भी मैदान हो, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कोशिश करनी चाहिए। और जो जो उसके बुज़ुर्ग हैं या जो बड़े लोग गुजरे हैं उनको अपना आइडियल बनाएं, उनको सुने, उनको पढ़ें। जब तक उनको सुनेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, चाहे वो उर्दू ज़बान का मामला हो या हिंदी या इंग्लिश का हो या किसी और ज़बान का, तो जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना उनको सुनेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा, उससे हमें हमारी क्लैरिटी होगी, और तलफ़ुज़ को लेकर भी और अल्फाज को लेकर भी। अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की पत्रकारिता 20 साल पहले थी या 15 साल पहले भी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही मतलब फ़िक्र वाला दौर आ गया है, कि हमें मतलब सोचना चाहिए कि वो जर्नलिस्ट कहाँ चले गए? और अभी जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल ने अपना अपना एक मीडिया इंस्टीट्यूट खोल दिया। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कि स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, या उनको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो दूसरे चैनल में जाके क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी आई है जर्नलिज्म में, स्टैंडर्ड डाउन हुआ है? स्टैंडर्ड में कुछ फ़र्क आया हो, वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मीडिया घराने हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। ये जो नीचे लेवल के काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर उनको कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए जो मीडिया हाउसेज हैं उनके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो मालिक हैं या जो भी उसको उसका बीड़ा उठाए हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है ये। और उन्होंने ही अगर कुछ इस पर हर्फ आया है या कुछ इसमें गिरावट आई है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, ना कि स्टूडेंट्स की या नए जो लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं या सहाफ़त में आ रहे हैं, उनकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इसको ख़राब करने में या इस सहाफ़त को का मेयार गिराने में उनका कोई रोल है। हाँ, हम जो भी नए लोग उर्दू सहाफ़त में आते हैं, चाहे किसी भी मीडियम में आए, तो उनको ये ज़रूर अपने दिल से सोचना चाहिए, जहन में ये रखना चाहिए कि हम सहाफ़त एक पेशा नहीं है, एक मिशन हुआ करता था और मिशन है। आज भी ऐसे लोग उर्दू सहाफ़त में या दूसरी ज़बानों के पत्रकारिता में मौजूद हैं जो एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। वो किसी भी पार्टी, किसी पर्टिकुलर किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एनजीओ या किसी की तरफदारी नहीं करते, बल्कि वो अपने एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम जो नए लोग आने वाले हैं उर्दू सहाफ़त में, उनको भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे एक मिशन के तौर पर लें, ना कि पेशे के तौर पर। तो जब हम एक मिशन अपनाएंगे तो हमारी एक अपनी हैसियत बनेगी, अपना एक रुतबा बनेगा, और जो लोग एक कहना चाहिए ग्रोहबंदी में या ग्रुपबाजी में शामिल हो जाते हैं, उनकी वैसे ही इमेज भी बनती है। जो ईमानदारी से इस पेशे में काम कर रहे हैं या इसको अपना मिशन मानते हुए काम कर रहे हैं, उनकी वैसी इमेज बनती है। तो इसके लिए नए लोगों को ख़ास तौर से कोशिश करनी चाहिए कि सहाफ़त को, जर्नलिज़म को एक मिशन के तौर पर ही लें, ना कि एक खाली सिर्फ पेशा। थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि जो जर्नलिज़म है वो एक तरह का मिशन होना चाहिए, और उसको मिशन की तरह ही हमें अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी छोटी सी गलती से आपको नहीं पता कि आप
क्या कर देंगे देश के हित में, आप क्या कर देंगे देश के अगेंस्ट, आप क्या कर देंगे. तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बनिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आप ही लोगों के कंधों पर है. आप जो दिखाएंगे हिंदुस्तान वही देखेगा, हम वही देखेंगे. तो जिम्मेदार पत्रकार बनिए. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारी कॉन्वर्सेशन रही और आई थिंक इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा. शुक्रिया.